हेलो एवरीवन, कुक विद भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बिना घी के हलवा बनाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि बिना घी के हलवा कैसे बनता है, तो बिल्कुल बहुत ही टेस्टी बनता है ये हलवा भी। तो चलिए हम मलाई हलवा बनाना शुरू करते हैं। और इसे बनाने से पहले, आपने यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएंगे। चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। हलवे के इंग्रेडिएंट देख लेते हैं। यहाँ पर हमने ली है 1 कप फ्रेश मलाई है ये, और उसके बाद 1 कप ही हमने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने 1/3 कप चीनी ले ली है, और 2 से 3 इलायची को हमने कूट करके पीस करके ले लिया है, और यहाँ पर हमने कुछ बादाम ले लिए हैं, 8 से 10 बादाम हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। आप इनकी जगह कोई भी अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट ले सकते हैं इसमें, तो इन सब सामग्री की जरूरत है। और उसके बाद यहाँ पर पानी हमें इनका 3 गुना लेना है, यानी कि हमें 1 कप आटा लिया है तो हमें 3 कप पानी यहाँ लेना है, तो इन्हीं सब सामान की जरूरत है हमें। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए अभी सबसे पहले हमें एक बर्तन में जो हमने मलाई ली है वो डाल देनी है, और उसके बाद उसमें जो हमने आटा लिया है वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देंगे। अभी हम इसे मिक्स कर लेते हैं, और अभी हमें गैस का फ्लेम धीरे ही रखना है, यानी स्लो ही रखना है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। लगातार चलाते हुए फ्रेंड्स, हमने आटा और मलाई को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है, और सारा आटा हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अभी से लगातार चलाते हुए अच्छे से सेकना है। इसमें हमें ना घी की जरूरत है ना मावा डालने की जरूरत है, ये हलवा वैसे ही बहुत टेस्टी बनता है। फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ गैस पे जो पानी लिया था 3 कप पानी, वो गरम करने के लिए इस पे रख दिया है। उसमें भी हमें उबाल आने तक गरम करना है उसे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें इसे सेकते हुए, अभी ये दानेदार होने लग गया है, और अभी हमें इसे बिल्कुल अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया दानेदार हो गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, ये हल्का ब्राउन भी हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और अभी हम इसमें लगातार चलाते हुए इसे 1 मिनट तक और भूनेंगे। फ्रेंड्स, हमारा मलाई और आटे का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत बढ़िया दानेदार हो चुका है। अभी हम इसमें जो हमने पानी गर्म करके रखा है वो डाल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा पानी डालें आप, उसके बाद फिर इसे मिक्स करें, फिर थोड़ा पानी डालें। ये देखिए इस तरीके से, अभी हमने इसमें सारा पानी डाल दिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट और पकाएं इसे, फिर इसमें हम चीनी डालेंगे। फ्रेंड्स, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अभी आप देख सकते हैं इसमें कढ़ाई में घी बिल्कुल अलग हो रहा है। अभी हम इसमें चीनी डाल देते हैं, हमने जो ली थी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा और चीनी ले सकते हैं, और कम पसंद है मीठा तो आप चीनी कम भी कर सकते हैं। तो चीनी की मात्रा आप अपने स्वादानुसार घटा बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, चीनी बिल्कुल अच्छे से इसमें घुल गई है, अभी 2 से 3 मिनट हम इसे पकाएंगे और गैस की फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारा हलवा बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसमें जो हमने इलायची ली थी वो डाल देते हैं, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम इसमें से डाल देंगे, और कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, बिना घी के हमने इतना बढ़िया हलवा तैयार किया है सिर्फ मलाई से। तो हमारा मलाई का हलवा बनकर के बिल्कुल तैयार है, आप इसे अपने घर में जरूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी बनता है।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।